लोकवार्ता एवं दैनिक हुक्मनामा समाचार के तत्वाधान में लोसल कस्बे में आयोजित मेगा ट्रेड फेयर मेले का शुभारंभ शुक्रवार को कार्यक्रम का नोहरा मैदान में शेख हवाटी एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन एवं निजी शिक्षण संस्थान के जिला अध्यक्ष बीएल रणवा एवं नगर पालिका उपाध्यक्ष शिफा बानो, जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण कालिकन, जन कल्याण सेवा समिति के मंत्री भरत शर्मा सहित अन्य अतिथियों के द्वारा फीता काटकर गणेश पूजन के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान मेला आयोजक द्वारा आगंतुक अतिथियों का साफा बांधकर एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मेला आयोजन समिति ने स्थानीय पत्रकारों को डायरी व कलम भेंट कर उनका सम्मान किया। इसके बाद अतिथियों ने मेले में जाकर सभी दुकानें एवं झूलों सहित सारे मेले का निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि ऐसे मेले मेल मिलाप और जन एकता के प्रतीक होते हैं और मेले हमारे देश की संस्कृति का प्रतिरूप होते हैं। मुख्य अतिथि ने लोकवार्ता एवं हुक्मनामा समाचार का आभार जताते हुए कहा कि भविष्य में भी इसी प्रकार से मेले लगाकर कस्बे की शोभा बढ़ाएं। कार्यक्रम के दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद राम बिचारणिया, पार्षद बीआर हरिपुरा, समाज सेवी शरीफ कुरेशी, समाज सेवी सत्यनारायण लोसल, प्रेस क्लब लोसल के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार नासिर नाज, पत्रकार अनुराग शर्मा, पत्रकार पवन कुमार, पत्रकार गोपाल लाल सैनी, पत्रकार झाबरमल पैरसवाल, पत्रकार नंदलाल गौड़ सहित काफी संख्या में कस्बे वासी उपस्थित थे। मेले में कस्बे के लोगों के अलावा आसपास से भी महिलाएं एवं पुरुष बच्चों सहित मेले का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मेला आयोजक हनुमान सहाय शर्मा गुरुजी एवं सहायोजक दीपक सिंह राठौर ने बताया कि यह मेला लोसल कस्बे में 15 दिनों तक चलेगा। विशिष्ट अतिथि की, जैसा कि आदरणीय रणवा जी कह रहे थे, ये है मेला। वैसे क्या है, साल में पहले एक बार भरा जाता था और अभी साल में शायद 3-4 बार भरा जा रहा है। तो ये मेले का प्रभाव बढ़ा है। इसका मूल कारण ये है कि इस कस्बे का आपके प्रति स्नेह और एक अच्छी सोच, सभी की एक अच्छी सोच है कि हम मेले के आनंद लेवे और एक मेले में अच्छी खरीदारी करते हैं। तो इसी का परिणाम है कि आप साल में 4 बार मेले का आयोजन करते हैं।